नशीला पदार्थ खिलाकर डीसीएम लूट करने वाले पांच शातिर अपराधियों को सर्विलांस टीम और ठाकुरगंज पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। देखते हैं वखार हुसैन की ये खास रिपोर्ट। दिनांक 14/7/2022 को ठाकुरगंज थाने के अंतर्गत रोड पर एक डीसीएम लूटने का घटना हुई थी। ये थाने पर सूचना मिलने पर जो थाने की टीम और जो हमारे एसओजी टीम इसमें सक्रिय होकर घटना का अनावरण करने के लिए प्रयास किया गया था। इसी क्रम में जो लूटी हुई डीसीएम है उसकी सर्च में और अभियुक्तों का गिरफ्तारी के लिए जो हमारे लोग टीम लगे थे तो इसमें सफलता मिली हुई है कि इसमें कुल पांच अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जो लूटी हुई है जो डीसीएम है और घटना में प्रयुक्त दो एक बाइक और एक स्कूटी दो अदद जो अवैध तमंचा कुछ जिंदा कारतूस और जो टमाटर इन्होंने बेचे थे उसके एवज में इन्होंने पैसा पाए थे तो 60,000 रुपये बरामद हुए हैं। तो ये अभियुक्तों को आज पूछताछ के दौरान ये सभी अपना घटना का अंजाम करने का बताया गया है और इन लोगों से जो बरामद किए माल बरामद किए हैं और सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। एक इसमें जो बेचने में जो सहाय किया है वो एक फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं और बाकी अभी घटना का इन्होंने एक अभियुक्त इसमें पिंकल जो है उनका एक पहले पूर्व इतिहास है, एक क्राइम है, पहले जेल जा चुका है। अभी और घटनाओं के बारे में भी हम लोग इसको पीसीआर पे लेके पूछताछ करेंगे। इसमें वो तो शामिल अभी तक उसका संलिप्तता जो ड्राइवर का पता ही नहीं चल रहा है, मगर जो बाकी जो बेचे थे उनको पता नहीं था, इन लोगों ने जाके बेचे थे उसमें पैसा पा लिए थे, वो पैसा हम लोगों ने बरामद किया। अभी तक एक ही घटना ये समझ में ये आया है जो घटना का खुलासा हुआ है और अभी तक पूछताछ में एक ही घटना का इन्होंने बताया है और भी हम लोग आगे को पीसीआर में लेके इसमें पूछताछ करेंगे। तक एक ही घटना का जो सामने आया है और हम पीसीआर अप्लाई करेंगे और भी कोशिश करेंगे कि अगर कहीं कोई घटना किया तो उसका अनावरण। तो जैसे कि इसमें बताया गया था कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसको बेहोश किया गया था, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, इन लोगों ने कुछ उसको सुंघवाया दिया था और कुछ कपड़े भी बांधे थे चेहरे पर, तो उसके बाद उसने घटना का जैसे ही बताया था तो हमारी टीम लग के अभियुक्तों का गिरफ्तारी किया।